रहे थे, भले एक ही हो लेकिन जो आप बाकी का टाइम है उसको समझने के लिए दीजिए, और 6 महीने के बाद देखिए आपके अंदर कितना बदलाव आ जाता है। लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद सीधा रिपेयरिंग के बारे में ही सोचने लगोगे, पैसे छपने के बारे में ही सोचने लगोगे, तो चीजें हैं कि कल को आपको फिर डाउट क्लियर नहीं होगा। बहुत सारे चीजें हैं ऐसे हैं कि आपको डिमोटिव हो जाओगे, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको यहाँ से हमने सिर्फ रास्ता बताया है कि आपको आगे चलना कैसे है। अब आपको आपका सही इंतजाम तो अब बाकी है, मेन चीज तो अभी आपको, अभी तो आपने कुछ नहीं किया। जो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह पे आप कोर्स है, या बहुत सारे ऐसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग 10 दिन 5 दिन में बोलते हैं कि हम बहुत कुछ सीख गए, ये सारा चीजें हैं। तो मैं आपको एक ही चीज से शॉर्ट में बात करना चाहूंगा कि अगर मैं आपको एक कटोरी में चावल भर के दूं तो आपका 1 या 2 दिन का ही खाना होगा, या फिर आप एक कटोरी लेके आए हो और कटोरी में चावल लेके जाओगे तो आपका खाना 1-2 दिन का ही होगा। हम तो यहाँ आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि कटोरी लेके मैं बैठू बैठू पर हम कटोरी में आपको चावल नहीं देते हैं, हम आपको ये बताते हैं कि चावल को उगाए कैसे, चावल कैसे है उसके अंदर खेत में बो के आप खुद अपने अंदर से, ताकि क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कभी भी आपका फ्यूचर में पूरा खाना हो जाएगा, आपको कभी इस तरह से नहीं है 2 दिन 3 दिन खाना चलेगा। तो ये सारा चीज में वेट लगता है, क्योंकि इसके अंदर चावल को बोना, फिर बड़ा करना, उसकी हिफाजत करना, उसके बाद आपको ये फल मिलता है। लेकिन इसके लिए आप जो अगर ऐसे सीखे हैं तो फ्यूचर में आपको कभी किसी का हेल्प ना चाहिए, इस तरह से हो जाता है। इसलिए शॉर्टकट का कोई रास्ता मत अपनाइए, स्टार्टिंग के अंदर बहुत दिक्कतें आती हैं लेकिन उसको झेलिए, और पॉजिटिव हर एक कोई चीज के बारे में, सीखने के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए तो ये चीजें हो जाती है। स्टार्टिंग में हम जब इस दुनिया में आए तो हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना खा सकते थे, ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे। धीरे धीरे हमको सबने सिखाया, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम खुद ये सब करने लगे, खाना खाने लगे, चलने लगे, लेकिन स्टार्टिंग